सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान 200 मिलियन या उससे भी ज़्यादा स्पर्म विजाइना में डिपॉजिट किए जाते हैं। इन 200 मिलियन स्पर्म में से सिर्फ 1% यानी 2 मिलियन स्पर्म ही सर्विक्स ऑफ यूटेरस में पहुंच पाते हैं और उसमें से भी सिर्फ 200 स्पर्म ही सेकेंडरी ओसाइट तक पहुंच पाते हैं और उसमें से भी सिर्फ एक ही स्पर्म सेकेंडरी ओसाइट को फर्टिलाइज कर पाता है। तो बाकी के स्पर्म का क्या होता है? तो कई सारे स्पर्म विजाइना से बाहर गिर जाते हैं या विजाइना के एसिडिक पीएच के कारण मर जाते हैं। इसके अलावा कई सारे स्पर्म सर्विक्स के म्यूकस में फंस जाते हैं। अब देखिए, फीमेल बॉडी के लिए स्पर्म फॉरेन सेल है। आप खुद ही सोचो, जब शरीर बाहर का एक बैक्टीरिया भी टॉलरेट नहीं करता तो इतने सारे स्पर्म को कैसे टॉलरेट करेगा? तो कई सारे स्पर्म को इम्यून सिस्टम के सेल्स बाहरी खतरनाक सेल समझ के मार देते हैं और आधे स्पर्म तो गलत फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं, सिर्फ आधे ही सही फैलोपियन ट्यूब में जा पाते हैं। इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब में मौजूद सीलिया में भी कई सारे स्पर्म फंस जाते हैं और अंततः एक ही स्पर्म फर्टिलाइज